विनेश फोगाट बेशक 2024 कुश्ती इवेंट का फाइनल से डिसक्वालीफाई हो गई हो, लेकिन देश को उन पर बहुत गर्व है। विनेश ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। भारतीय कुश्ती के दिग्गज विनेश फोगाट को पेरिस 2024 ओलंपिक का सफर 7 अगस्त को अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म हो गया। विनेश को 50 किलोग्राम वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया दे दिया गया, जिससे वह स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई। हालांकि फाइनल तक का विनेश फोगाट का सफर इंस्पायरिंग रहा, जहां इन्होंने यूई सुसाकी और अक्साना लिविया जैसे विश्व स्तरीय पहलवानों को हराया। आयोग घोषित किए जाने के बाद वजन घटाने के प्रयासों के कारण गंभीर डिहाइड्रेशन कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 अगस्त को विनेश फोगाट संन्यास की घोषणा कर कुश्ती को अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरगी में हुआ था। अपने पिता राज्यपाल फोगाट की मृत्यु के बाद उन्हें उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने गोद लिया और ट्रेन किया। विनेश ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और भारतीय कुश्ती में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2018 में पद्म श्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। विनेश फोगाट के नेटवर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट का अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 36.5 करोड़ रुपए है, जो कुल उनके सफल करियर और विभिन्न इनकम सोर्सेज का परिणाम है। उनके मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा युवा मामले और खेल मंत्रालय से आता है, जो सालाना लगभग 6 लाख रुपए है। इसके अलावा वह बेसलाइन वेंचर्स और कॉन्स्ट्रोस्पोर्ट जैसी कंपनियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। विनेश फोगाट के जीवन शैली में शान और शौकत की खास जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास हरियाणा में करोड़ों की कीमत वाले एक आलिशान विला है। रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि उनके पास 3 महंगी गाड़ियां भी है, टोयोटा फॉर्चूनर जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है, टोयोटा इनोवा जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है, मस्जिद वेब जिले जिसकी कीमत 1.8 करोड़ रुपए है। सारी दौलत और आरामदायक जीवन शैली उनकी कड़ी मेहनत की लगन का नतीजा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।